दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में आयोजित एक विचार गोष्ठी में शामिल होने आए पांच जन के संपादक हितेश शंकर ने राष्ट्रवाद और पत्रकारिता विषय पर बताया कि बाजार का कोई वाद नहीं है, यह मुनाफे के लिए चलता है और मुनाफे के लिए इच्छाएं बढ़ाना, इच्छाओं से उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन से फिर मुनाफा बढ़ाना, ये एक चक्र है। मगर इसे यह कहना कि राष्ट्रवाद पर हावी हो गया है तो मैं कहता हूँ राष्ट्रवाद का कोई वाद नहीं होता, यह राष्ट्रभाव है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पांच जन के संपादक हितेश शंकर ने कहा, बाजार का कोई वाद नहीं है, वो मुनाफे के लिए चलता है और मुनाफे के लिए इच्छाएं बढ़ाना, इच्छाओं से उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन से फिर मुनाफा बढ़ाना, ये एक चक्र है। मगर इसे ये कहना कि राष्ट्रवाद पर हावी हो गया तो मैं कहता हूँ राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रभाव है। राष्ट्र का कोई वाद नहीं होता है, राष्ट्र से जुड़ाव होता है। और बाजार को इससे जोड़ना ठीक नहीं है। मगर पत्रकारिता के बारे में ये ठीक बात है कि समाचार पत्रों की बात हो या टीवी की बात हो, वहाँ जो विज्ञापनों का स्थान है वो कितना रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, आवृत्ति क्या रहेगी, उनका स्तर क्या रहेगा, उसके साथ खबरें चलेंगी तो कैसे चलेंगी, कितनी चलेंगी, उनका स्तर क्या होगा, इसका एक तालमेल खोजने की ज़रूरत अवश्य है। साथ ही जो विज्ञापन का राजस्व है, उस राजस्व के बिना भी पत्रकारिता का कोई मॉडल है क्या, इसका तालमेल अभी नए ज़माने में डिजिटल मीडिया के दौर में फिर से खोजने की ज़रूरत मुझे लगती है। भारत में तो ये बात संभव हो ही नहीं सकती, ये दुनिया का ऐसा अनूठा देश है जिसके ज़्यादातर महापुरुष आप देखेंगे आज़ादी की लड़ाई में सारे पत्रकार थे। तो मीडिया अगर कहती है तो वो अपने DNA से उलट व्यवहार कर रही है, ऐसा मुझे दिखाई देता है, क्योंकि भारतीय मीडिया का ये चरित्र हो ही नहीं सकता। ये थोपी हुई चीज़ है या पैदा की हुई विकृति है, इसको हटना ही होगा, क्योंकि भारतीय मीडिया का ये चरित्र नहीं है, ये उसका स्वभाव नहीं है। वंदे मातरम करते हुए पत्रकारिता शुरू हुई थी तो वंदे मातरम कहना क्यों, ये सवाल मीडिया उठाए तो वो भारतीय मीडिया कम से कम उसे नहीं कहा जा सकता। सर, आने वाले जो नवयुवक हैं उनको मीडिया के गिरते स्तर से बचने के लिए गिरता स्तर उठता स्तर वही है कि इससे जो जुड़ने वाले लोग हैं उनका कैसा स्तर है। युवा अपना स्तर अच्छा करके मीडिया में आएंगे तो मीडिया का स्तर भी अच्छा होगा। और जैसे दुनिया का सबसे जवान हसरतों से भरा हुआ ये देश है, मुझे लगता है कि यहाँ का मीडिया में आने के लिए जो उद्यत युवा हैं वो इसके स्तर उन्नयन के लिए, ऊंचा स्तर उठाने के लिए भी संकल्पबद्ध होंगे, ऐसा मुझे लगता है।